أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद ताहिर शाह और आज मौजूद हूँ मैं सरगोधा के नवाही इलाका शहीनाबाद में। यहाँ पे एक सब्ज पानियों की बहुत ही खूबसूरत और ऑर्गेनिक झील है जो यहाँ पे पहाड़ों की कटाई की वजह से मर्द वजूद में आई। आज हम आपको इंशाल्लाह इसका मुकम्मल विज़िट कराएंगे, इसके बारे में मालूम देंगे, इसका मुकम्मल तफरीही मालूमती दौरा कराएंगे। इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिए और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सन 80 की दहाई में जब यहाँ पे कोई कारोबार कोई रोजगार नहीं था तो यहाँ पे मकामी लोगों ने जरिया माश ये तलाश किया कि यहाँ जो पहाड़ है पहाड़ों की कटाई को करके यहाँ पे बजरी बनाई जाने लगी और यहाँ पे क्रश प्लांट लगे। आहिस्ता आहिस्ता करते इन्होंने पहाड़ों को काफी हद तक खत्म कर दिया। तो जैसे ये ऊपर से पहाड़ों की कटाई हुई तो नीचे इन्होंने खुदाई शुरू कर ली। ये इनकी खुदाई शुरू हुई तो फिर बारिशें हुई और नीचे से पानी जो है ना ज़मीन से यहाँ पे 35-40 फुट पे पानी नीचे आ जाता है ज़मीन पे, तो वो निकलना हो गया। तो इस तरह एक झील मर्द वजूद में आई। ये इसका एक हिस्सा है, इंशाल्लाह इसके बाद हम आपको इसका दूसरा हिस्सा विजिट कराते हैं। पानियों की एक बड़ी पोशीदा और हिडन लेक है सरगोधा में, जिसके बारे में अभी तक बहुत कम लोगों को पता है, बल्कि यहाँ के मकामी लोगों को सिर्फ पता है, यहाँ पे किसी ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको एक्सप्लोर करने वाली पहली टीम है। और दूसरी बात यह इसकी जो गहराई है ये 200 से 250 फीट तक इसकी गहराई है। और इसमें कुछ अर्सा कबल कुछ लोगों ने मछलियाँ वगैरह यहाँ ला के मछलियों की अफजाइश की कोशिश की, लेकिन इसका चूँकि पानी नमकीन है इस वजह से ये कामयाब नहीं, लेकिन पानी बहुत ठंडा है और बहुत इंजॉयबल है। इस तरह के जैसे मैं ना नॉर्दर्न एरिया में घूम रहा हूँ, इस तरह ठंडा पानी है, बहुत ठंडा और बड़ा मज़े का पानी है। ज़रूरत इस वक्त इसकी है, यहाँ पे ना कोई होटल है, ना कोई टी स्टॉल है, ना कोई खाने पीने की कोई चीज़ है, बिल्कुल ना। ये ऑर्गेनिक लेक है, इस वक्त यहाँ पे यहाँ कोई स्टे का खाने का कोई होटल नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे ना कोई कश्तियाँ वगैरह, ना कोई ऐसा कोई सिलसिला है इंटरटेनमेंट का, बिल्कुल ऑर्गेनिक सिस्टम है। आप यहाँ पे आएँ, इसको देखें, इंजॉय करें। ये झील का पार्ट वन है और इसके ये दरमियान में एक पहाड़ है छोटा सा, इसको कटाई की गई है। इसकी दूसरी तरफ इसका जो बड़ा वाइड हिस्सा है वो दूसरी तरफ है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। हम यहाँ आके खूब इंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं और बहुत अच्छी जगह है, पानी बहुत ठंडा है। अगर आप माहिर तैराक हैं तो इसमें आप तैराकी कर सकते हैं, बिल्कुल साफ पानी है, कोई इशू नहीं है। और सब दोस्तों की मालूमात के लिए जो नए दोस्त एक्सप्लोर करते हैं नई नई जगहों को, उनको मैं बताना चाहूँगा कि इस पे झील पे यहाँ पे आना कैसे है, इसका रास्ता कैसे है और इसका रास्ता कैसा है, वो अभी आपको बताते हैं इंशाल्लाह इसी वीडियो में। पंजाब की, और ये मैं आपको बता दूँ सरगोधा में है। सरगोधा से अगर आप यहाँ पे आना चाहें
तो सरगोधा पहुँचे। सरगोधा से तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर है शाहीनाबाद। शाहीनाबाद तक बिल्कुल कारपेट रोड है, हर किस्म की गाड़ी आ सकती है, बल्कि यहाँ तक हर किस्म की गाड़ी आ सकती है, कोई यहाँ पे इशू नहीं है। 2 से 2.5 किलोमीटर होगा ऑफ रोड, बाइक गाड़ियाँ हर चीज़ आसानी से यहाँ पे इजी एक्सेस है, यहाँ पहुँच सकती है। और दूसरी बात मेन, यहाँ पे आने के लिए कोई खदशा, कोई ख़तरा, कोई चोरी, कोई डाका, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। आप फैमिलीज़ के साथ आएँ, इसको भरपूर इंजॉय करें और इसका लुत्फ़ उठाएँ। यहाँ पे आना है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फैमिली साथ हो, दोस्तों को कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप जब भी यहाँ पे आएँ, खाने पीने का सामान अपना हमरा लाएँ, कुकिंग का सामान अपना साथ लाएँ। अगर करीब से आ रहे हैं तो घर से कुकिंग करके लाएँ, जैसा आपको पसंद हो। तो इस हवाले से ये यहाँ पर बिल्कुल सेफ जगह है, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं। बहुत बड़ी झील है, इस झील का मैंने चक्कर लगाया, मेरे ख्याल से तकरीबन राउंड अबाउट 1.5 से 2 किलोमीटर इसका वाया है। हमने घूम के देखे, इतनी काफ़ी बड़ी झील है, इसके दरमियान में थोड़े छोटे छोटे पहाड़ों के टुकड़े भी हैं जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं। एक्चुअली हुआ ऐसे कि कुछ लोगों ने यहाँ पे इस पानी को निकालने की, यानी कुदरत से मुकाबला करने की कोशिश की, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुकम्मल नाकाम हुए और पानी नहीं निकाल सके, ताकि मजीद पहाड़ों की कटाई करते। अब वो पहाड़ों की कटाई जो है वो रुक गई है, इस वजह से ये अब झील मर्द वजूद में आई है। तो ये बहुत अच्छी जगह है। करने के लिए ये बेहतरीन स्पॉट है, आप इसको लाजमी विजिट करें। यहाँ पे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, जैसे कि मैं पहले भी बताया, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप आ सकते हैं, फैमिलीज के साथ आएँ, दोस्तों के साथ आएँ, आप कैंपिंग का सामान साथ लाएं और कैंपिंग करें, क्योंकि यहाँ पे होटल तो है ही नहीं, ना खाने के ना कोई रहने के। और दूसरी बात यह है कि एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि आप जो है ना वो खाने पीने का सामान अपना साथ ज़रूर लाएँ। करीब से आ रहे हैं तो घर से कुकिंग करके लाएँ, अगर आप यहाँ पर आके कुकिंग करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, नो इशू, या कोई ऐसा मसला नहीं है, आप ज़रूर इसको विज़िट करें। और ये बहुत ही अच्छी जगह है, मैं इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि कम अज़ कम सरगोधा या पंजाब के रहने वाले तो इसको लाजमी विज़िट करें, आपको जीबी का मज़ा आएगा। गिलगित बल्तिस्तान वाला यहाँ पे ठंडा पानी है, पुरसकून माहौल है, ठंडी हवा चल रही है और बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है। यहाँ पे परिंदे भी आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, बल्कि सर्दियों में तो यहाँ पर परिंदों का काफ़ी जो है ना वो जमघटा सा लगा रहता है जो आप। दोस्त वो कश्ती लाने के शौकीन होते हैं, तो उन्होंने छोटी छोटी बोट्स अपने रखी होती हैं घर में, तो वो साथ ला सकते हैं, यहाँ पे उसको चला सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लाइफ केयर जैकेट साथ लाना ना भूलिएगा, फैमिली यहाँ ज़रूर आएँ, एंजॉय करें। इसके साथ ही मैं गुजारिश करूँगा अला हुकाम से कि ये एक छोटा सा पॉइंट है, ये तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर वाइड की या 1.5 किलोमीटर की एक झील है, तो ये कुदरती एक मर्द वजूद में आ चुकी है, तो इसका ख्याल किया जाए। गुजारा सैर सियाहत को थोड़ा सा प्रमोट करते हुए इस पर तवज्जो दी जाए, यहाँ पे कुछ थोड़े से पॉइंट्स बनाए जाए, कोई रेस्टोरेंट बनाए जाए, कोई होटल्स हो, यहाँ पे कोई कश्ती रानी को पार्क का निज़ाम होता है, लोग यहाँ पे आए, इसको एंजॉय करें।
तो दोस्तों मुझे ये बताइएगा कि हमारी आज की आपको काविश कैसी लगी, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। और जाते जाते आपसे वही पुरानी बात, वही रिक्वेस्ट, वही गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हम आपके लिए इंशाल्लाह इसी तरह का बेहतरीन तफरीही मालूमती कॉन्टेंट क्रिएट करते रहेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।